जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएसओ फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा करंट अफेयर्स पर, जो कि परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया है? क्या 10 फरवरी को, कि 11 फरवरी की, 12 फरवरी की, दोस्तों 13 फरवरी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष कब? प्रतिवर्ष 13 फरवरी को विश्व भर में, ध्यान दीजिएगा, विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस के इस 12वें संस्करण की जो थीम है दोस्तों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, थीम पूछता है दोस्तों, इस 12वें संस्करण का जो थीम है वो है रेडियो एंड पीस। क्या है? रेडियो एंड पीस। आप बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए दोस्तों, क्लियर है? दोस्तों अगर मैं बात करूं कि ये कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ, तो 3 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 3 नवंबर 2011 को यूनेस्को ने 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया था, क्लियर है? क्योंकि दोस्तों इस दिन पहली बार, ध्यान दीजिएगा, 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो दिवस की स्थापना हुई थी। तो इस तरीके दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर है 13 फरवरी, बिल्कुल भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, क्या निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स किस देश के नए राष्ट्र बने हैं? क्या साइप्रस के बने हैं, कि न्यूजीलैंड, कि ऑस्ट्रेलिया, कि दोस्तों पुर्तगाल? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पूर्व विदेश मंत्री जिनका नाम है निकोस, क्या निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, क्लियर है? ये दोस्तों साइप्रस, कहाँ के? साइप्रस के नए राष्ट्रपति के रूप में बन के आए हैं, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो एक प्रकार से 13 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा, ये साइप्रस के राष्ट्रपति चुने गए थे, क्लियर है? ये पॉइंट जानते रहिएगा, कब चुने गए? 13 फरवरी को, जिस दिन विश्व रेडियो दिवस मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, देश के पहले ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किसने किया है? क्या नितिन गडकरी ने किया है, कि नरेंद्र मोदी, कि अमित शाह, कि दोस्तों अनुराग ठाकुर? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जिनका नाम है नितिन गडकरी, क्या नाम है? नितिन गडकरी। उन्होंने दोस्तों ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? क्या चंडीगढ़ में हुई, कि नई दिल्ली, कि लखनऊ, की हैदराबाद? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्थात लखनऊ में, क्लियर है दोस्तों? G20 में पूरा 20 देश हैं, ध्यान दीजिएगा, और G20 की इस बार की जो अध्यक्षता है वो भारत ही करेगा, ये भी पॉइंट जानते रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का दिल्ली दौसा लालसोट खंड को किसने राष्ट्र को समर्पित किया है? क्या द्रौपदी मुर्मू ने, कि नितिन गडकरी, की राजनाथ सिंह, की दोस्तों नरेंद्र मोदी? दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है, अर्थात नरेंद्र मोदी, क्लियर है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने, ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के दौसा में, कहाँ? राजस्थान के दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली, ध्यान, दिल्ली दौसा लाल सोट खंड का क्या किया है दोस्तों? अनावरण किया है, देश को समर्पित किए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, एयरो इंडिया शो 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? क्या मुंबई में, कि दिल्ली में, कि दोस्तों बेंगलोर, की चेन्नई? दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है, अर्थात बेंगलुरु में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष जनवरी 2023 किसे प्राप्त हुआ है? क्या शुभमन गिल को,
की मोहम्मद सिराज की विराट कोहली की सूर्य कुमार यादव। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, शुभमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ क्या हुआ जनवरी 2023 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, चक्रवात गैब्रियल किस देश में आया है, क्या जापान में आया है कि इंडोनेशिया में आया है कि न्यूजीलैंड की दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन क्या है, सी है, न्यूजीलैंड में आया है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैं होमवर्क देता हूँ रोज की बात। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहा हूँ, क्या 11 जनवरी को मनाया जाता है कि 13 जनवरी कि 13 फरवरी कि 14 जनवरी। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत को पिछले 5 वर्षों में रूस से कितने बिलियन डॉलर के हथियार प्राप्त हुए हैं, क्या 13 बिलियन डॉलर कि 5 बिलियन डॉलर कि 18 बिलियन डॉलर कि 20 बिलियन डॉलर। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है आपको। आशा है लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर साथ, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद जय भारत।